हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सभी के लिए एक रीडिंग के साथ आ गई हूँ। आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो है नेक्स्ट 7 डेज आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आ रही हैं आने वाले 7 दिनों में, क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, और क्या चीज़ें आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को इग्नोर करने की ज़रूरत है। तो जो भी रीडिंग में आएगा डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है नेक्स्ट 7 डेज के लिए, ठीक है, तो जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी। तो बिना देर करे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या आता है। तो यहाँ पर आपकी वर्क लाइफ, लव लाइफ और आपका हेल्थ, सभी फैक्टर्स के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, देखते हैं गाइस क्या आता है, लेट्स सी। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, सॉरी पेज ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ सोल्स। And three of wands. Temperance. Six of cups. Seven of cups. Devil. Two of Wands, okay. Nine of Swords है bottom the deck से. Okay guys, तो मैंने कुछ cards निकाल दिए हैं आपके लिए. Element यहाँ पर सारे ही हैं. Fire है, air है, earth है, water है, ठीक है. आपकी love life में क्या होने वाला है? चलिए अभी love life के बारे में बाद में बात करते हैं. पहले overall situation देख लेते हैं. देखिए आपकी life में इस time में balance आते हुए देख रही हूँ. क्योंकि पहला कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आ जाएंगे। लाइफ पर आपके कंट्रोल होगा, आपके आपका कंट्रोल होगा आपके खुद के इमोशंस पर, खुद के एक्शन पर, ठीक है। तो आप अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में रहोगे, क्योंकि लाइफ आपकी बैलेंस होते हुए दिख रही है, लाइफ आपकी हील होते हुए दिख रही है मुझे, ठीक है। टेम्परेंस का मतलब है आप काफ़ी ज़्यादा अपनी हीलिंग पर फोकस कर रहे हो, जो जो आपके अंदर जिन चीज़ों को आपको हील करना है, लाइक जिस भी डिपार्टमेंट में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ पर आप काम कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं आप चेंज में बिलीव कर रहे हैं इस टाइम, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ नया करने के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है, कुछ नया अपने फ्यूचर के लिए या फिर अपने करियर के लिए। डेफिनेटली गाइस आप चेंजेस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कुछ नए आइडियाज़ पर आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, लाइक अपने पेंटिंग को इम्प्रूव करने वाले हैं, जो भी आपकी हो हॉबी है, आप गिटार बजाते हैं या आप पेंटिंग करते हैं, कि कुछ ना कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप आर्टिस्ट हो सकते हैं। अब आर्टिस्ट आप मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, एक पेंटिंग कर सकते हैं आप, म्यूजिशियन हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ हॉबी आपकी है, ठीक है, जिसमें आप थोड़ा काम करने वाले हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने वाले हैं, तो कुछ नया आप ट्राई करने वाले हैं। आने वाले 7 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में बैलेंस में देख रही हूँ, आप कुछ ना कुछ नया ट्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि आपको नया करना है, ठीक है। आपका जो माइंडसेट रहेगा आने वाले 7 दिनों में बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, ठीक है, आपको लगेगा कि आपकी ऑलरेडी आपको आपकी जीत हो चुकी है, ठीक है, आपको विक्ट्री मिल गई है, सक्सेस मिल गई है, इस तरह का माइंडसेट रखकर आप अपना काम करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है आपकी लाइफ के लिए और ये बहुत अच्छा है, लोगों को इस तरीके से सोचना चाहिए, ठीक है।
एस ऑफ सोर्ड्स का मतलब है, हो सकता है कि आने वाले 7 दिनों में कुछ पेपर वर्क, कुछ कोर्ट वगैरह में जाना पड़ जाए, हो सकता है कुछ रजिस्ट्री वगैरह प्रॉपर्टी के लिए रिगार्डिंग आपको जाना पड़े, विजिट करना पड़े, ठीक है। तो कुछ लीगल पेपर सिग्नेचर वगैरह करते हुए मैं आपको देख रही हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी का ही केस हो सकता है कि आप अपने बिजनेस के लिए कुछ अपनी कंपनी खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन, कुछ एग्रीमेंट, ठीक है, कुछ ना कुछ इस तरह से मैं देख रही हूँ। तो आप कुछ साइन वगैरह करेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोसेस आप कर रहे हो अपने लिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अब्रॉड जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ के वीज़ा वगैरह के लिए या जो भी है उस चीज़ के लिए या फिर पासपोर्ट वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे, कुछ इस तरह का भी मैं देख पा रही हूँ। तो नेक्स्ट 7 डेज अगर आपके करियर के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा चांस है आपके पास। आप अपनी हॉबी को इम्प्रूव करो, अपने एफर्ट्स बढ़ा दो, क्योंकि आपके पास विक्ट्री आते हुए ही मैं देख रही हूँ, ठीक है। अब अगर लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ में हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अभी भी कन्फ्यूज़न स्टिल यहाँ पर है, डेवल एनर्जी आपकी लव लाइफ में आई हुई है, ठीक है। कन्फ्यूज़न है या तो आपको है या आपके पार्टनर को है, लेकिन ये बहुत मुझे लग रहा है कॉम्प्लेक्स है आपके लिए, क्योंकि लव लाइफ भी अभी अच्छी दिख नहीं रही है। कोई ना कोई बहुत कंफ्यूज है, या तो आप हैं या आपके पार्टनर हैं, ऊपर से डेवल एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। तो हो सकता है गाइस कि आपके पार्टनर आपको उतना सीरियसली अभी ले नहीं रहे हैं जितना आप उनके बारे में सोचते हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं, काफ़ी वेट आपको करा रहे हैं, काफ़ी परेशान आपको आपको हो रही है, ठीक है, काफ़ी परेशानी आप फील कर रहे हो, लेकिन ये टाइम परेशान होने का नहीं है। इस सिचुएशन में ही खुद को सेट करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है। अगर आप एडजस्ट कर लेते हैं खुद को तो डेफिनेटली ये भी आपके लिए एक विक्ट्री होगी, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो पर्सन हो सकते हैं ये आपके सोल ग्रुप से ही हैं, ठीक है, आपके सोल आपके डिवाइन काउंटर पार्टी हैं विद द 6 ऑफ कप्स, और इसके साथ आपको बहुत अच्छा भी फील होता है। आपको लगता है कि आप अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल रहे हैं जिसके साथ कोई शर्म नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, ठीक है। इस पर्सन के साथ फीलिंग भी इस तरह से आती है, लेकिन इस पर्सन ने काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट की हुई है, और पता नहीं अभी इसकी लाइफ में क्या हो रहा है। या तो ये कन्फ्यूज़ है, या फिर इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि ये खुद की फीलिंग से भाग रहा है, क्या कर रहा है, आई डोंट नो। बट आपकी लव लाइफ थोड़ी स्टक है, नेक्स्ट 7 डेज में कोई इंप्रूवमेंट दिख नहीं रहा है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आप खुद में इम्प्रूवमेंट लेकर आइए, इस सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्टमेंट के साथ साथ ही हो सकता है कि चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाए, क्योंकि आप लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हो जैसी वो है, ठीक है, और एज वेल एज अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ये बातें बहुत अच्छी है आपके लिए। तो ये इसे को ही कहते हैं इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो इसको करते रहो गाइस, और परेशान मत होना, रातों को जागिए मत। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, आपको आपके पार्टनर की याद आती है, अपनी हॉबी स्टार्ट कर दो उसी टाइम करना। नींद नहीं आ रही तो उस टाइम को भी यूटिलाइज करो। अगर पेंटिंग करते हो तो पेंटिंग करना स्टार्ट कर दो। म्यूज़िक में कुछ करना है तो म्यूज़िक के बारे में सोचना। अगर सॉन्ग राइटर हो तो सॉन्ग लिखना स्टार्ट कर दो। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो कुछ क्रिएटिविटी स्टार्ट कर दो अपनी। अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने वर्क के बारे में, जिस भी चीज़ में आपको लगता है कि आपको और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वो काम करो। तो आपको आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे, आप रोएंगे भी नहीं, और आप अपनी स्किल को ही आप इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए। हेल्थ देख लेते हैं, हेल्थ में क्या है। ओके, एस ऑफ कप्स का कार्ड है हेल्थ के लिए, एंड ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके ओके ओके, चलिए इतने ही काफ़ी हैं हेल्थ हेल्थ के लिए। ओके गाइस, डेफिनेटली क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स बॉटम द डेक से भी कार्ड आया था, तो आप रातों को जाग रहे हैं ये तो मुझे दिख रहा है। ये आपकी हेल्थ पर असर डाल रहा है गाइस, ठीक है। आप थोड़े परेशान हो रहे हो, पता है क्या हो रहा है, जितना कॉन्फिडेंस बनाया है ना अपने अपने फ्यूचर के लिए, खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, एनहांसमेंट के लिए, तो पता है अगर आप ऐसे रातों को जागोगे, नींद पूरी नहीं होगी, तो ये आपका कॉन्फिडेंस ना थोड़ा लूज होगा इससे, ठीक है। जो कॉन्फिडेंट इतनी मेहनत से गेन किया है, खुद को जो इतना बिल्डअप किया है, उसी चीज़ में फिर आप कमी लाना शुरू कर दोगे, और हेल्थ पर तो फिर फ़र्क आएगा ही, ठीक है, और इसके साथ साथ आपके करियर पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए जो एडवाइस दी है मैंने, जितना हो सके ऑप्टिमिस्टिक रहिए हर एक सिचुएशन में, ठीक है। आपके पास न्यू बिगिनिंग आएगी, डेफिनेटली आएगी। थोड़ा सेविंग वगैरह भी करना शुरू कर देना, ठीक है। सेविंग करोगे तो डेफिनेटली पैसा आपके पास बचा रहेगा। ये नहीं कि पैसा, हो सकता है कि आपको इस बात की भी टेंशन है, कुछ पैसे वैसों को लेकर कुछ आपका मसला है, थोड़ा उसको लेकर भी आप थोड़ा
टेंशन में है अभी, ठीक है, ऐसा भी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। तो गाइज देखो, जो काम अपना प्लान बनाइए ना, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, प्लान बनाइए और जो भी है अगर अच्छा प्लान होगा तो चीज़ें वर्क करेंगी और डेफिनेटली फिर आपको विक्ट्री ही मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन से कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता। अगर सोल्यूशन मिल जाए तो टेंशन ले लो फिर, तो कितनी भी ले लो अगर काम बन जाते हैं तो, ठीक है। इसलिए जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव सोचोगे रातों को जागोगे और तो फिर नेगेटिव कुछ हो सकता है लाइफ में, ठीक है। जितना पॉजिटिव रहो, कहते हैं ना, जो जो सोचोगे वो क्रिएट कर लोगे, तो इसलिए अच्छा सोचो तो अच्छा ही क्रिएट होगा, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो गाइज इस बात को ध्यान से सोचो, आने वाले 7 दिन बहुत अच्छे हैं आपके, इवन करियर में तो बहुत ही अच्छे हैं, करियर के लिए तो बेस्ट टाइम है आपके लिए, कुछ ना कुछ नया आपके पास आ रहा है और कुछ अच्छा ही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, पेशेंस एंड प्लानिंग, थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखिए आप, ठीक है। गॉड की प्लानिंग पर भी ट्रस्ट कीजिए। हार्मनी, ओके, ये ना जो मैसेजेस है ना, ये लव लाइफ के लिए हैं आपकी ना, एट दी एंड आपको हार्मनी मिलकर रहेगी। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और गॉड की प्लानिंग पर ट्रस्ट कीजिए, पेशेंस रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ चेंज होगी, ये लव लाइफ ना आपकी चेंज होगी, अच्छे अच्छी हो जाएगी, डोंट वरी, इसको लेके टेंशन मत लेना। मेंटल कन्फ्लिक्ट को निकाल दो अपने दिमाग से, ठीक है, क्योंकि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो आपको हार्मनी मिलेगी, फिर ये मेंटल कन्फ्लिक्ट नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए ना बिल्कुल देखो, लाइट और पार्टनरशिप का कार्ड है यहाँ से, ठीक है। तो जितना हो सके अपने विशेष, अपने गोल के बारे में, गोल जो भी है ना आपके, उसके बारे में सोचिए। ये पार्टनरशिप आपके पास आएगी, 100% आएगी, ठीक है। तो लव लाइफ अभी नहीं, क्योंकि लव लाइफ के लिए तो पेशेंस का कार्ड आ गया है, तो ये इसको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपका जो वर्क है, करियर है, वो आपके हाथ में है, वो बहुत अच्छा आपके पास है, ठीक है। आपके पास स्किल्स है, आपके पास टैलेंट है और आप डेफिनेटली अच्छा कर सकते हो, तो उसमें अपना थोड़ा 100% दो, ठीक है। अदरवाइज लव लाइफ को सरेंडर कर दो, क्योंकि यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल है चीज़ें आपके, ठीक है, आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि गॉड ने आपको पेशेंस रखने के लिए कहा है, तो उनके अच्छे प्लान होंगे आपके लिए, इसीलिए कहा है, ठीक है। इसीलिए टेक इट ईजी, ठीक है, काम रहिए और शांति से अपने काम कीजिए, ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट मत बनाइए, अपने माइंड पर ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, ठीक है, ये है आपके लिए। ओके, तो आने वाले 7 दिन में आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, मेंटल कन्फ्लिक्ट को दूर रखना है अपने से, और अपनी हॉबी पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, अपने करियर पर फोकस करना है, ठीक है। अच्छा टाइम आ रहा है आपके लिए, देखो आपके पास एप्रिशिएशन आ रहा है गाइज, दुनिया आपको एप्रिशिएट करेगी, डेफिनेटली आपके पास एप्रिशिएशन आ रहा है, आप कुछ अच्छा ही करने वाले हैं अपने काम में, या कुछ काम आपका ऐसा बनने वाला है कि दुनिया आपको एडमायर करेगी। ऑल टाइड अप, अगर आपको लग रहा है कि आपके करियर से ये ऑप्शन चला गया वो सब, और जो आपका बिग ड्रीम है, तो अभी सब कुछ बंधा हुआ है आपके साथ, ठीक है, कुछ खत्म नहीं हुआ है अभी। हीलर ऑफ द एजेस, अपनी हीलिंग कंटिन्यू रखिए, खुद को हील करते रहिए, खुद पर काम करते रहिए। ओके, आर्कएंजल कैम्यूल भी आपके साथ हैं, तो खुद पर काम करना, खुद पर बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को हर दिन कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेंज लाइफ का एक पार्ट है और चेंजेस आने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, हमारे साथ हैं लेडी वीनस एंड डिवाइन डायरेक्टर। Truth is being revealed, deep insights are coming from heaven and the astral realm. Divine intervention is occurring, know that you are being guided, happiness is your purpose. Okay. And Isis, magic manifesting. देखो यहाँ से ग्रीन तारा माँ भी है, सुप्रीम प्रोटेक्शन। डेफिनेटली गाइज आप प्रोटेक्टेड हैं, ग्रीन तारा माँ की प्रोटेक्शन है आपके पास, आपको कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, कोर्ड्स आर बीइंग कट, डेफिनेटली कोर्ड्स जो भी हैं वो कट हैं, मतलब खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, और मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस ट्रस्ट। आप डेफिनेटली आप अपने आप को लिमिट मत कीजिए, ठीक है, आगे बढ़िए, अपना टैलेंट दिखाइए दुनिया को, आप क्या हैं, कैसे हैं, आपका आपकी पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है, आपको शो करने की ज़रूरत है और आप प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन डायरेक्टर कह रहे हैं डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, डेफिनेटली गाइज आप गाइडेड हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है
और कुछ ऐसा मैजिकल आपके साथ होने वाला है आपकी लाइफ में। डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड। आप ये जान के रखिए कि आपको गाइडेंस मिल रही है और हैप्पीनेस आपका पर्पस है, ठीक है। लेडी वीनस आपसे कह रहे हैं ट्रुथ इज बीइंग रिवील, सच्चाई आपके सामने डेफिनेटली आ रही है और आप काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हैं डे बाय डे, ठीक है। और आप अनदर रैलम में पहुंच भी रहे हैं, ठीक है। आपकी सोल काफ़ी ग्रो कर रही है। और आइसिस आपसे कह रहे हैं योर ड्रीम विजन्स गोल्स आर बिकम रियलिटी। डेफिनेटली आपके जो भी ड्रीम्स हैं, विजन्स हैं, गोल्स हैं, डेफिनेटली वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप बस फोकस अपना बना के रखिए, स्टे फोकस्ड, ठीक है। तो यस गाइज, आने वाले 7 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा तो आपके करियर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए सैड ना होकर अपने ऊपर काम कीजिए जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल है उसके बारे में ज़्यादा ना सोच के उसको सरेंडर कर दो। जो जो चीज़ आप कर सकते हैं एटलीस्ट वो चीज़ें आप कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। सो गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।